नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं बच्चों, हमारा ये टॉपिक लगभग ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो आप लोगों के पास यूट्यूब में वीडियोस हैं, ये फ्री वाले जितने वीडियोस हैं ये आपको यूट्यूब में मिल रहे होंगे। जो पेड वीडियोस हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि जिन्होंने आईटी टूल्स का पेपर परचेज किया है और इसकी कॉस्ट 200 रुपीज़ है। आज के नए टॉपिक पर हम लोग शुरू करते हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, और टॉपिक है मेल मर्ज और प्रिंटर्स। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चंस में बहुत बार आया है। मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा भी दूंगा पिछले क्वेश्चन पेपर खोलकर। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। मेल मर्ज का क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान से करिए, क्योंकि आपको आखिरी में जो प्रैक्टिकल या वाइवा मिलेगा तो वहां पर भी करने को मिलेगा, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसके साथ एक PDF भी मिलेगी आपको, ये रही। और इस PDF को मैंने हिंदी में पूरा क्रिएट कर रखा है, जिससे मेल मर्ज करने के पूरे स्टेप्स हैं। और साथ ही साथ इसी मेल मर्ज के नीचे, मैं भी करके भी दिखा रहा हूँ, इसी के नीचे प्रिंटर्स भी हैं, और प्रिंटर्स के बारे में भी पूरा है, कितने प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, प्रिंटर का राइटिंग हेड कौन कौन सा है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, उनके फ़ायदे नुकसान क्या थे, सारा कुछ है। तो आप इसको थियोरिटिकली पढ़ लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको थ्योरी में लिखना है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इनके हेड्स वगैरह बनाना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में इजी बना देता है, जैसे इस तरह का ये चेन प्रिंटर है कैसे काम करता था, ये सब। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना ये मेन टॉपिक। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार पूछा गया है, और ये शॉर्टकट्स में बहुत आता है, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर से क्वेश्चन आ जाएगा, या पूछ लिया जाएगा कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है। तो आपको सिंपल सिंपल समझ आ रहा है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और ये आपकी जितनी भी सॉफ्ट कॉपी के, जैसे कि आप लोग ये फाइल देख रहे हैं PDF की, ये सॉफ्ट कॉपी है। अगर मैं प्रिंटर से निकालूंगा तो ये पेजेस के फॉर्म में आ जाएगी, तो ये हार्ड कॉपी बन गई। तो इसी के लिए प्रिंटर यूज किया जाता है। और प्रिंटर को अब हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो हमारे पास 2 प्रकार के प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, ये प्रिंटर जो है वो आप लोगों का एक ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि पेपर को टच करके चलते हैं। टच करने का मतलब समझ रहे हैं, जिनका पेपर हेड जो है वो छू के चलता है, आपके जितने भी पेजेस हैं उन पे रगड़ के चलता है, उनको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो पेपर को टच करता नहीं है, दूर से ही स्प्रे करता है, या थर्मल टेक्निक का यूज करता है, कोई भी टेक्निक यूज करता है, तो ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे काम करते हैं। उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, इम्पैक्ट में आता है डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, ये काफी चलता है, DMP प्रिंटर भी कहते हैं इसे, हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह में बहुत चलता है, और ये सस्ता प्रिंट आउट है। और नॉन इम्पैक्ट में आते हैं इंकजेट, थर्मल, लेजर, ये सब सस्ते, ये थोड़े महंगे हैं लेकिन प्रिंटिंग क्वालिटी इनकी बढ़िया है। अब चलिए डिटेल में देखते हैं कि कौन सा प्रिंटर किस तरह काम करता है। आप लोगों को स्क्रीन पर जो प्रिंटर दिख रहा है यही है आपका DMP प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपको ये बैंक्स में मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा, बहुत सारी जगह मिल जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिजली विभाग वगैरह मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को कुछ खास नहीं, बस एक पेपर यहाँ पे फंसाना होता है और एक रोलर ऐसे रोल कर देते हैं तो पेपर आके ऐसे बीच में फंस जाता है, और उसके बाद इसी पर एक हेड होता है जो लेफ्ट राइट मूव करता रहता है और प्रिंट करता रहता है, और काफ़ी आवाज़ भी होती है इस प्रिंटर में। अब देखिए इस प्रिंटर में काम होता कैसे, टेक्निक क्या है इस प्रिंटर के लिए। अगर आप लोग गौर करें तो ये एक